सॉरी बाबा, कहाँ देख के चल रहे पर खुरदार? अगर जमाने भर के लोग यहाँ मेहंदी लगाते रहेंगे तो फिर संगीत के लिए टाइम का रहेगा? मेहमान आते होंगे, चलो जल्दी करो, वाइंड अप करो। धन्यवाद दीदी, अभी खत्म नहीं हुआ। इतना काफी है। और अंकल जी सही कह रहे हैं, अगर मेहंदी में इतना लेट करेंगे तो फिर बाकी प्रोग्राम कब होंगे? हे माता रानी, करेले को भी मीठा बनाने का उपाय है हमारे पास, पर अंकल जी की मन की करवाहट दूर करने का नहीं। इनका हृदय परिवर्तन करा दो माता रानी, इनसे माफी दिलवा दो प्लीज। 5, 6, 7, 8 चलो। आ, क्या कर रहे हो आप? आपकी डांस के वजह से ना मैं अपने स्टेप्स झूल जाऊंगी। अरे झूल नहीं, भूल भूल। अरे समझ गए ना आप, अभी ठीक से करो, कम ऑन। अरे अरे आप क्या नच बलिया जीत के बताऊं? हाँ ठीक से तो कर रहा हूँ। और वैसे एक बात बताऊं, अगर मुझे ऐसे ऋतिक रोशन ने देख लिया होता ना तो शर्मा जाता। उसे शर्माना नहीं, मर जाना कहते हैं। अरे गोविंद चाचू तो फिर भी ठीक कर रहे हैं। चाची ये मेरे जंपिंग जैक को देखो, डांस के नाम पे बस बंदरों की तरह उछले जा रहा है। I'm telling you, हमारा परफॉर्मेंस ना बहुत रद्दी होने वाला है। हाँ हाँ होगा ही, एटलीस्ट ये बंदर उछल तो रहा है, ये बंदरिया की तो कमरिया ही नहीं हिल रही। किंशु बंदरिया का डैड यू। अब बंदर की बीवी को बंदरिया नहीं तो क्या शेरनी बोलूं? अरे भाई एक बात है देखो, अरे क्या है कि जितनी पत्नियां है ना, आप लोगों ने भी कोई इतना जोरदार कोई प्रैक्टिस की ऐसा नहीं किया है। लेकिन क्या है कि परफॉर्मेंस बिगाड़ने का दोष हमेशा अपने पतियों पर ही डाल रही हो, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं नहीं, सही 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 कह रहा हूँ, एकदम बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे तुमने ये कर नहीं। अरे हेलो, क्या हुआ? ब्लेम गेम, ब्लेम गेम। अरे ये सारी बीवियां अपने पतियों पे अपने खराब परफॉर्मेंस का बिल फाड़ रही है। बोलो, तूने तो प्रैक्टिस किया ना अच्छे से, सब स्टेप्स याद है ना? हाँ भाई, आज आपका और भाभी का परफॉर्मेंस हाईलाइट होने वाला है, स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे डांस परफॉर्मेंस नहीं, वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप हो रही है। ऑफ कोर्स वही तो चल रही है। अरे इन पतियों के लिए तो ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा भाई, तो भाई आई होप तूने रिहर्सल प्रैक्टिस तो कर ली है ना? आई होप द सेम चाचू, मैंने तो कर लिया प्रैक्टिस, लेकिन तनीषा थोड़ी नर्वस है। हाँ क्यों? वो ट्रेडिशनल्स में डांस करने में थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है। ऐसे कैसे? कहाँ है तनीषा बताओ मुझे, मैं हेल्प करवाती हूँ। या तो हम कोरियोग्राफर को बुला लेते हैं। एक सेकंड, हाँ मैं कॉल करती हूँ। अरे डोंट वरी, हमारे पास बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है जिसके साथ तनीषा अभी प्रैक्टिस कर रही है। यू मीन फालतू? ध्यान से देखना। हाँ अब तय करो। नहीं नहीं तनीषा जी, ऐसे नहीं, ऐसे तो तुम्हारा पैर आयान जी के पैर के नीचे आ जाएगा और तुम स्टेज पर भी गिर सकते हो। सीधे पैर से शुरुआत करो, ले अच्छी बैठेंगी। हाँ मुझसे नहीं हो रहा ये। अरे ऐसे कैसे ना हो रहा, 10 चक्कर मारने होंगे। मारो, होगा होगा, मारो। 1, 2, 3, 4, 5 फोक इतना मुश्किल क्यों है? है अच्छा तो कर रहे हो तनीषा जी। मुझे अच्छा नहीं, मुझे सबसे बेस्ट करना है फालतू। और ऐसे नाच के तो मैं खुद ही अपना संगीत खराब कर लूंगी। ये जो ग्रेस तुम्हारे डांस में आ रहा है ना, ये मेरे डांस में क्यों नहीं आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि थे अभी पूरी तरीके से तैयार ना हो। देखना
जब पूरी तरीके से तैयार होके घर वालों के सामने जाओगी ना तो थारे ज्यादा सुंदर कोई ना लगेगा। थारे गालों की लाली देखकर शाम के सूरज की लाली भी शर्मा जाएगी। थारा ये चांद सा मुखड़ा देखकर ना सबके दिलों में ठंडक पड़ेगी। पता है जब दुल्हन अपने साजो श्रृंगार के साथ प्रेम मग्न होती है ना तो संगीत भी उसके साथ ही नाचने लगता है। देखना आज थारे साथ भी ना यही होने वाला है। थारे पैर की एक एक थिरकन देखकर अगर दूल्हे राजा की आहें ना निकली ना तुम्हारा नाम बदल देना। तुम समझ नहीं रहे हो फालतू, ये डांस मैं सिर्फ अयान के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि फंक्शन में हर एक शख्स जो आए वो मेरे डांस देखकर इम्प्रेस हो, मेरा परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट हो। कुछ अलग करने के चक्कर में मैंने ये फोक डांस सिलेक्ट कर लिया। अब ना तो ये डांस प्रिपेयर है और ना दूसरा डांस प्रिपेयर करने का कोई टाइम है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे तनीषा जी कुछ गड़बड़ ना होगी, है चिंता ना करो, है सब अच्छा ही करोगे। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुम मेरा एक कॉस्ट्यूम पहन के घूंघट डालो और मेरी जगह परफॉर्म कर लो प्लीज। अरे ना 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 ना, ना। मैं कैसे नाच सकती हूँ, ये तो थारे ब्याह का संगीत है। क्यों नहीं कर सकती? ये फंक्शन में सिर्फ फैमिली ही नहीं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीवी, प्रेस सब होंगे और रिकॉर्डिंग भी होगी। मैं नहीं चाहती कि सब लोगों के सामने मेरा कोई तमाशा बने। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सोशल मीडिया की दुनिया कितनी ब्रूटल है। अगर इन्हें मेरी कोई गलती मिल गई तो ये मुझे ट्रोल करने का ना एक मौका नहीं छोड़ेंगे। प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझो फालतू प्लीज। पहले थे शांत हो जाओ तनीषा जी, आओ बैठो। माथे पे इतना बल मत लो, झुर्रियां पड़ जाएंगी। मारे को पता है थे न्यूज पेपर इन सब के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो ना। छोड़ दो, सोचो ये सब है ही ना। एक पल के लिए सोच लो ये दुनिया, परिवार, दोस्त कोई भी ना है। बस अपने मन के अंदर उस प्रेम को याद करो जिसके लिए था ये सब कर रहे। पैरों की लय को भूल जाओ। अगर थारी धड़कनों की लय आयान जी की धड़कनों की लय से मिल गई ना फिर देखना शरीर का एक एक कण प्रेम रास करेगा। वाओ, दैट मेक सेंस। निधि वन की उलझी लताएं कोई तैयारी ना करती, वो तो बस इंतजार करती हैं शाम होने का, अपने कान्हा को देखने का। क्योंकि उनके मन में बसा प्रेम इतना पवित्र होता है कि कान्हा को देखकर अपने आप जाग उठता है, दिल से आंखों में आ जाता है। देखना जब अयान जी कान्हा बनकर थारे साथ रास करने आएंगे ना तो थारा मन भी अपने आप राधे राधे हो जाएगा। बस बस यही मुस्कान अपने चोखटे पर सजा कर रखना। अब से जाकर तैयार हो, मैं आती हूँ। एक मिनट फालतू। आई एम सॉरी। अरे तुम्हारी को सारी क्यों बोल रहे हो तनीषा जी? नहीं मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें बिना जाने तुम्हें जज किया, तुम्हें बुरा भला कहा और उसके बावजूद तुमने शादी में सबकी इतनी हेल्प की, मेरी इतनी हेल्प की। तुम बहुत अच्छी हो फालतू, थैंक यू सो मच। अरे अब तय मारे को सारी थैंक यू बोलकर ना शर्मिंदा ना करो। आभार और थैंक्स यू तो थे लोगों का है जो मारे को अपने घर में जगा थी। एक बात कहूंगी, थैने ना बहुत चोखे कर्म किए होंगे, धारे को अयान जी जैसा जीवन साथी मिल रहा है। मैं तो बस माता रानी से पूरी श्रद्धा से थे दोनों की खुशियां मांगती हूँ। थे दोनों की जिंदगी में खुशियां भर भर के। थे दोनों ना साथ में बड़े अच्छे लगते हो। ओह क्या कहते हो उसको अंग्रेजी में, मैड फॉर ईच अदर? मैड नहीं, मेड, मेड फॉर ईच अदर। हाँ वही, मैड फॉर ईच अदर। बस थे दोनों को ना किसी की नजर ना लगे। अच्छा बाबा बस बहुत तारीफ हो गई हमारी, अब जाके रेडी हो जाओ। जी ये सब क्या है लाजवंती, ये इतना लेट क्यों बुलाया मुझे? खुद देख लेगा तो कांड हो जाएगा। कांड तो हो चुका है अमर, फालतू के घर से भाग जाने के चक्कर में मारे पति ने मारे को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? हाँ अमर ये हो ना हो माता रानी का एक इशारा है हमारे लिए।
इशारा। देखो फालतू तो चलेगी मुंबई क्रिकेटर बनने, वो वही रच बस जाएगी, तो क्यों ना हम भी इस हंगामे के बीच से निकलकर मुंबई चलते हैं। सब क्या बोल रही तू? तुम प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ करता हूँ, पर तो पर क्या, चलते हैं ना अमर, तुम वही कोई छोटा मोटा काम देख लेना, कोई नौकरी देख लेना, हम लोग वही ब्याह करेंगे, वही बस जाएंगे। तुम भूल गए कि तुम शादी शुदा हो? अरे कैसी शादी, काहे की शादी, कचरा समझ कर फेंक गया वो मैंने यहाँ पर। मैं उसकी पत्नी ना हूँ अमर, बस एक खिलौना हूँ उसके लिए। लाजवंती माफ करना मुझे, तेरे जख्मों को खुरदने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो फिर चलना अमर। साथ तो मैं भी तेरा देना चाहता हूँ लाजवंती, लेकिन जो तू करना चाहती है ना उसका नतीजा बहुत गलत हो सकता है। मैंने इस नर्क से छुटकारा चाहिए, थारे आगे हाथ जोड़ू, मैंने यहाँ से ले जा, जैसे अहन फालतू को लेके चला गया मैंने भी ले जा। अयान इस गांव का नहीं है लज्जो। तभी तो वो मर्द है ना अमर, इस गांव का होता तो बाकियों की तरह नामर्द होता। अयान वो मर्द है जो औरत की इज्जत करना जानता है, उसकी जिंदगी संवारना जानता है। देखना जब फालतू बड़ी खिलाड़ी बनके इस गांव में लौटेगी तो ये सारे मूछ वाले उसके हुनर के आगे सर झुकाएंगे। इसलिए कह रही हूँ अमर, हमारे पास भी मौका है, ले चल मने यहाँ से, मने जिंदगी में थारे अलावा और कोई ना चाहिए। ये क्या कह रहे हो फालतू की बातें, हमारी बात तो सुनो। माँ अमर मैं थारे से बाद में मिलती हूँ और हम जल्दी भागने की योजना बनाएंगे। अयान भैया और तनिषा बाबी के संगीत में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले परफॉर्म करने जा रही हैं हमारे घर की क्वींस, दादी सुमित्रा चाची, कुमकुम चाची, रिजुला बुआ और मेरी प्यारी माँ। पकड़े गए ना भाई, किसको देख रहे थे आप वहां पे? क्या 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 घूर किसी को नहीं रहा था मैं। भाई बहनों मैं आपकी, आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, साफ साफ देखा मैंने, एक ही नजर में क्लीन बोल्ड हो गए आप। कोई क्लीन बोल्ड रन आउट रनआउट कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना सू, कुछ भी मत बोल। भाई अब आपकी शादी होने वाली है, अब क्या शर्माना, ये तो एडमिट कर लो कि भाभी एकदम वार्म लग रही है। देख रही हूँ मैं, नजर एकदम स्टिकर की तरह चिपकी हुई है आपकी उनसे। mesmerized. किसे देख रहे थे? फालतू को। आपको देख के भाभी, आप देख नहीं रहे भाई, इतनी देर से आप ही को देख रहे हैं, नजर हटी नहीं रही भाई की आपसे, और जैसे आप भाई के पास आए ना भाई की सांस में सांस आ गई। हाय हाय भाभी, आप शर्माते हुए तो और भी हॉट लगती हो, प्लीज ना मेरे भाई का हार्ट फेल मत कर देना। तू? अच्छा ओके ओके, आप अपना शर्माना मुस्कुराना वाला रोमांस कंटिन्यू करो, वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। हैव फन। वाह क्या किलर परफॉर्मेंस दी है हमारे घर की देवियों ने। देवी नहीं किंचुक, रिवाज कहो, इन सब के आगे तो हम भी फेल हैं। लड़के वालों का तो स्वैग ही ऐसा होता है आयशा, इनके आगे तो अच्छे अच्छे फेल हैं।
है दोनों ना साथ में गहने अच्छे लगते हो, किसी की नजर ना लगे। थैंक्स। यार इन लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं हम लोगों का ऐसा परफॉर्मेंस होगा कि नहीं होगा। आई होप हमारी कोई गलती ना हो। अयान ध्यान कहाँ है तुम्हारा, मैं कुछ बोल रही हूँ। I'm sorry, क्या कह रही थी तुम? अयान तुम नर्वस हो रही हो क्या? तुम प्लीज नर्वस मत हो ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। तुम सब संभाल लेना प्लीज। संभाल लूंगा, डोंट वरी। अगर हम लोग कोई स्टेप भूल भी गए ना, तो हम अपने रोमांस में कोई कमी आने नहीं देंगे। आज ना अपने मित्तल को अंदर रखे, अपने रोमांटिक हीरो को बाहर निकालना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Kind of, but हाँ समझ रहा हूँ। घबराओ मत, सब अच्छा होगा। पक्का अच्छा होगा ना? पक्का। अब बाकियों की परफॉर्मेंस देखें। ओके। तुम्हारी बात समझो। लाजवंती और अंतिमा को उनके ससुराल ले चलते हैं। हम उनसे माफी मांग लेंगे। थे समझो, जिन छोरियों को उनके पति छोड़ देते हैं, उनकी जिंदगी का कोई वजूद ना होता। मुझे उनसे माफी मांगने में कोई एतराज नहीं है, पर जवाईसा जो चाहते हैं मैं वो उन्हें ना दे सकूं। देना पड़ेगा, जिद छोड़ दो अपनी एक बेटी की जिंदगी बनाने के चक्कर में। हम अपनी बाकी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद ना कर सकते। ये मान लो कि हमारी किस्मत फूटी है। फालतू को वापस ले आ। क्या? उसका ब्याह पप्पी से करवा दो, यही उसकी और हमारी नियति है। गांव समाज और जात के भय से चरण सिंह अब नहीं झुकेगा। लाडो का ब्याह न कभी पप्पी से हुआ था और ना होगा। अरे सोच किस मुंह से वापस आने के लिए कहेंगे उसे। हमने हिम्मत दी थी उसे सपना देखने की, और आज जब वो अपने सपने के इतने करीब है, हम उसे वापस इस नरक में ले आए। नहीं नहीं, मैं लाडो के सपनों को ऐसे टूटने नहीं दे सकता। और वो कभी टूटेंगे भी ना बापू। फालतू वापस इतरपुर नहीं आएगी, चाहे उसके लिए गांव वालों के ताने सुनने पड़े या ससुराल वाले घर से निकाल दें। हमें से कोई तो है जिसने अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने की ठानी है। हमें उसकी ताकत बनना चाहिए, ना कि उसे पीछे खींचना चाहिए। क्या कह रही है लाजवंती? हमारा ब्याह हो चुका है, बिना पति के रहेगी तो ये गांव वाले जीने ना देंगे। तो अभी कौन सा आसान जीवन है माँ? पैदा होती अंगूरी काकी के तानों ने स्वागत किया, वो संभाला नहीं कि ब्याह हो गया। दहेज देने के बावजूद भी सास की गालियां सुनी, पति की मार सही। जब से सांस लेना शुरू किया तब से याद ही नहीं माँ के कभी दो पल भी सुकून के जिए हमने। इतने त्याग बलिदान के बावजूद भी पति कूड़े कचरे की तरह यहाँ पटक कर चला गया। ना फालतू वापस आएगी और ना हम ससुराल जाएंगे। अरे जीजी कहाँ जा रहे हो? रुको, थे तो कुछ बोलो। बिल्कुल ठीक कह रही है लाजा, मैं हमारी छोरियों को उनके जीने का हक दिलवा कर रहूंगा। वो वही करेंगी जो उनका दिल चाहेगा, और लाडो तब तक इतरपुर वापस नहीं आएगी जब तक वो अपने सपने पूरे नहीं कर लेती। ये चरण सिंह का आखिरी फैसला है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।